अभी फिलहाल हम रांची में हैं, लेकिन गढ़वा के बात हम जरूर करेंगे क्योंकि देश का कोई भी कोना में हम जरूर क्यों ना रिपोर्टिंग करें, लेकिन गढ़वा का बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि गढ़वा जो है आज झारखंड का सबसे पिछड़ा जो है जिला माना जाता है। इसी बीच जो है आज हम लोग मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं, ये रांची का, उसी बीच जो है आज सु पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है और विशेष तौर पर हम गढ़वा की बात करेंगे। क्या नाम हुआ और कहाँ से आप आए? मेरा नाम अभिरंजन तिवारी हुआ। हाँ, हम गढ़वा से हैं। हाँ, गढ़वा। अगर गढ़वा से हैं तो गढ़वा का विकास आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है क्या गढ़वा के बारे में? आप कुछ कहेंगे? विकास तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। चार साल में माननीय मंत्री जी तो पेयजल विभाग कुछ भूल करके खनन मंत्री का ही रोल निभा रहे हैं। पेयजल मंत्री वो नहीं है, खनन मंत्री। पेयजल मंत्री अगर होते तो फिर आप पानी का सुविधा करते, आप जल का सुविधा करते। आप जल मीनार आप देखिए, अगर आप नंबर ऑफ जल मीनार अगर आप गढ़वा जिला का देखते हैं तो मुझे ये लगता है 50-60% जल मीनार खराब पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आप पेयजल मंत्री का हैं, आप रोल में हैं, बट पेयजल मंत्री का आप नहीं, उससे ज्यादा आप खनन मंत्री बने हुए वहाँ। कैसे आप कैसे कह सकते हैं खनन में? इसलिए बने हैं क्योंकि अगर आप बालू का रेट देखते हैं तो आप जो अगर यूपीए जो एनडीए सरकार था हमारा गठबंधन का, आजू पार्टी और भाजपा का सरकार था, उस टाइम का अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे उस टाइम 1000 से 1200 रुपए पर ट्रिप ट्रैक्टर का मिल जाता बालू का रेट था, और आज वही ट्रैक्टर का रेट आपको 10,000 से 12,000 गया हुआ है। और इवन ये भी है कि रात में ही आपका गिर सकता है, दिन में आपका गिर नहीं सकता है। रात में कहे गिरेगा भाई? इलीगल है क्योंकि टेंडर हुआ ही नहीं है, तो फिर बालू कैसे मिल रहा है? सब चुरा के बेचता है। बिल्कुल चुरा के बेच रहा है, जितना बालू मिल रहा है सब चुराया हुआ बालू। मैक्सिमम मैं सबको नहीं बोलूंगा, बट मैक्सिमम आप अगर देखोगे तो फिर रेट में डिफरेंस क्यों आया? अगर महंगाई को अगर आप लेते हो तो महंगाई मतलब बालू है, एक खनन चीज है। आप 10,000 रुपए से आप डायरेक्टली वो 10 गुना कैसे बढ़ गया? इतना तो महंगाई देश में नहीं बढ़ा है, फिर गढ़वा जिला में कैसे इतना बढ़ गया? इवन की आपका यूपीए सरकार में इतना कैसे बढ़ गया? और गढ़वा में आपको क्या कैसा नजर आता है जो आपको वहाँ के सरकार को देखना चाहिए? देखिए, गढ़वा में जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि वहाँ पे सरकारी भूमि जो गज में जरुआ लैंड पे, जैसे अभी रांची में जो पिछले मंथ में हम यहाँ पे CPIML के जो नेता थे सुभाष मुंडा जी, स्वर्गीय सुभाष मुंडा जी, उनके मृत्यु के हत्या के बाद DGP ने यहाँ पे ये करा था कि जिस पर भी कोई भी भूमाफिया जिस पे 5 केस है जिला में उसको जिला बदर किया जाए। लेकिन हमारे जिला में, गढ़वा जिला में मैक्सिमम सरकारी जमीन पे भूमाफिया का कब्जा है। अगर आप पिपरा कला में जाते हैं, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, 40 डिसमिल का, इवन कि आप फॉरवर्ड क्लास से जनरल क्लास से बिलोंग करते हैं, 40 डिसमिल का आपका केवाला आप कराए हैं OBCNT का, और आपका 1 एकड़ का जमीन ऑनलाइन दिख रहा है, तो इसमें तो संलिप्तता सबका है, चाहे वहाँ के CEO साहब हों, चाहे SDO साहब हों, चाहे DC साहब हों। और जैसा मुझे जानकारी है, कोई भी NGO या कोई भी स्वयं संस्था वाला लोग पॉलिटिकली राजनीति में नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जैसा कि वहाँ के केंद्रीय प्रवक्ता हैं जो धीरज दुबे जी, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी रहे हैं, तो उनका जैसे फेसबुक पे मैंने उनका पेज पे देखा कि कुछ लोग NGO भी चलाते हैं और काफ़ी दिनों से चलाते हैं और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, और ऐसा तो मतलब कभी भी मतलब संवैधानिक मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी NGO को किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए, कभी नहीं जुड़ना चाहिए जी। तो लेकिन वो जुड़ रहे हैं, रीजन है कि वो अपना कमी बचाने के लिए जुड़ रहे हैं। तो और इवन की अगर आप देखें तो हाई कोर्ट में भी काफ़ी केस चल रहा है वहाँ के गज में जरूर जमीन को लेकर के, अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें अगर सोकॉल्ड इशू होता है तो उसमें भी पेपर में न्यूज़ में उसको दबा दिया जाता है, न्यूज़ में नहीं उसको आने देते हैं। और भूमाफिया लोग मतलब हर लेवल, जैसे एक दिन अगर आप 2021 का एक न्यूज़ देखें तो एक सहेजना में ज्योतिश्री सिनेमा हॉल के निकट में गोलीकांड हुआ था जमीन को लेकर के, और उसके जस्ट 2 दिन बाद थाना से स्टेटमेंट आया, इवन कि वो दैनिक भास्कर में न्यूज़ भी है, वो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका आपको डेट वाइज प्रेस विज्ञप्ति भी दे सकता हूँ, उसमें कार भी क्षतिग्रस्त हुई थी और गोलीकांड हुआ था, उसके 2 दिन बाद थाना से बयान आया कि गोलीकांड नहीं हुआ। अच्छा, इवन कि वहाँ पूरा मोहल्ला जान रहा है, सारे लोग जान रहे हैं कि गोलीकांड हुआ, गोली चला है। तो इस तरह से वहाँ पे ये है कि मतलब प्रशासन का स्टेटमेंट है जो गोलीकांड नहीं हुआ, गोलीकांड नहीं हुआ, ये प्रशासन का स्टेटमेंट है। और रही बात तो गढ़वा जिला को अगर आप लेते हैं तो गढ़वा जिला में भूमाफिया हो गए,
और भू माफिया का तो टोटल राज है। और भाई एनजीओ वाले जुड़ रहे हैं तो भैया अगर आप घोटाला किए हैं तभी तो आप सरकार से जुड़ रहे हैं, वरना आप क्यों जुड़ते हैं? आप तो भाई सरकार के नॉन प्रॉफिट क्या लग रहा है जो जो सरकार से जुड़ रहा है कहीं ना कहीं पूर्व में घोटाला कर चुका है। बिल्कुल मैक्सिमम, मैं सबको तो नहीं बोलूंगा, बट 70-80% गढ़वा जिला में जो माननीय मंत्री जी के साथ जुड़ रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं से खोट है। मतलब वो अपना थाली का जो मतलब छेद है उसको छुपाना चाहते, उसको छुपाने के लिए वो जुड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ ये भी है कि आप कब तक छुपाइएगा। अभी तो हमारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो यूपीए सरकार है अभी तो इसी का गारंटी नहीं है कि अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट ये है कि एनडीए सरकार जैसे ही हमारा आंसू पार्टी का और भाजपा का गठबंधन का सरकार आता है तो हम लोग सबको बेनकाब करने का कार्य करेंगे। मैं बनारस चला गया था उसके बाद मुझे लगा आंसू पार्टी का केंद्रीय जो हमारे सुप्रीमो हैं इनका नेतृत्व को देखे, पार्टी को देखे, क्योंकि हमारा पार्टी हमेशा भी से ट्रांसपेरेंट रहा है। कभी हमारे पार्टी में प्रोटोकॉल नहीं है कि अगर आपको हमारे पार्टी के सुप्रीमो से भी मिलना है तो आपको किसी और से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से मिल सकते हैं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी, आप कभी भी चाहें तो 24 घंटा आप हमारे पार्टी के आप मेंबर से जुड़ सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे सुप्रीमो से जुड़ सकते हैं और अपना बात रख सकते हैं जी। हमारे कभी भी सुप्रीमो कभी भी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, ना हमारे पार्टी के कभी किसी कोई भी पदाधिकारी व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, गरीबी, दूसरा चीज रोजगार और शिक्षा जी। जो शिक्षा आप देख रहे हैं पलामू, मैं पलामू से बिलोंग करता हूँ, गढ़वा से, पलामू में मेडिकल कॉलेज बने हुए, मेडिकल कॉलेज हमारा एनडीए सरकार के टाइम का था, मेडिकल कॉलेज बने हमारा 2-3 साल हो गया लेकिन आज तक उसमें एडमिशन नहीं हुआ, आज तक उसमें क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर कार्य क्या हो रहा है? आप अगर देखते हो तो माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं पेयजल मंत्री जी, कार्य तो वैसे खनन मंत्री का ही है जी। तो अगर आप वहाँ देखते हो, अगर आप गढ़वा का विकास का अगर बात करते हो तो सिर्फ एक कल्याणपुर का विकास को आप विकास नहीं बोल सकते हो। गढ़वा जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें प्रखंड आते हैं, आपको हर प्रखंड को टच करना होता है जी। आप क्या किए अभी तक? आप सिर्फ और सिर्फ कभी कार्यक्रम चल रहा है ये लगातार 30 दिन, इसका उद्देश्य क्या है, ये पार्टी से क्या संबंध है? ये इसमें है कि हम लोग का मतलब हम लोग जैसे हमारा जो झारखंड में जितने भी जिला हैं हम लोग वहाँ का जो भी मतलब न्यायिक हम लोग का जो अन्याय हुआ है मतलब लोगों के साथ उस पर हम लोग फोकस में लाएंगे। हम लोग का ये नहीं है कि हम लोग अपने संगठन का विस्तार करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग झारखंड वासियों के विकास के लिए कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली अगर बात करें तो लोग कहाँ कहाँ से आए होंगे ये रांची में? पूरे झारखंड से, पूरे प्रदेश, पूरा झारखंड, पूरे प्रदेश से आए हैं। अगर गढ़वा जिला का देखते हैं तो गढ़वा जिला से मतलब कम 500 की संख्या में हमारे